व्यूवर्स, आज हम बताने वाले हैं कि अगर आपने कोई ईमेल बना रखी है तो चैनल बनाना 2 मिनट का टाइम है। इसमें जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करिएगा तो देखिए योर चैनल करके आ जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका चैनल बन जाएगा। अब इस चैनल को आपको कस्टमाइज करना है। जब आप चैनल को कस्टमाइज करिएगा तो वहाँ पर देखिए आपका चैनल कस्टमाइजेशन आया, तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन को करिएगा। यहाँ देखिए आप चैनल नेम का बदल सकते हैं, तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर चैनल बूस्टर लिखा है, आप इसको हेल्प कर दीजिए और इसको चैनल का नाम बदल जाएगा। यहाँ पर हमारा रतन अग्रवाल के नाम से पहले आया था, तो इसको हम आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं ये चैनल कि कैसे आप अपने नाम को बदल सकते हैं। नाम को बदलने के साथ साथ आपको अपने बारे में डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी, आपका यूआरएल बाय डिफॉल्ट बन के आ जाएगा और ऐड लिंक में आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक सेट करना पड़ेगा और क्रिएटर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आपको वो ईमेल देनी पड़ेगी जिससे आप किसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। वो ईमेल मत दीजिएगा जिससे आपने चैनल बनाया। और हमेशा ध्यान रखिए कि ईमेल तुरंत ही बनाइए और तब उस पर चैनल क्रिएट करिए, क्योंकि अगर ईमेल आपकी पुरानी रहती है तो उसका काउंटिंग उसी दिन से होती है जिस दिन से ईमेल बनी है, तो फिर आपके जो एनालिसिस होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो वहाँ से वॉच टाइम काउंट करता है जहाँ से आप जिस दिन से आपका ईमेल बना है। सो अब इसको जब आप पब्लिश करिएगा तो आपका नाम देखिए बदल जाएगा। तो बूस्टर से ये देखिए क्रिएटर बूस्टर था, अब इसको जब आप व्यू करिएगा चैनल को तो ये क्रिएटर हेल्प हो जाएगा। आप इसको कितने भी बार बदल सकते हैं लेकिन चैनल का नाम अवेलेबल होना चाहिए। अब मान लीजिए हमें लगा कि नहीं वही ज्यादा अच्छा, तो फिर उसे कस्टम चैनल पे जाइए और वहां पर हेल्प को आप बूस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आए, फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन में गए, यहाँ पर क्लिक किया और क्रिएटर क्लिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रिएटर बूस्टर लिखा हमने। अब इसको फिर से हमने पब्लिश किया तो ये देखिए बहुत सिंपल है, आप अपने चैनल किसी भी चैनल का नाम तब बदल सकते हैं जबकि वो नया नया हो और आप बैच ना ले चुके हो। अगर आप बैच ले चुके हैं और तब बदलिएगा तो आपका बैच चला जाएगा, टिक लगा होता है उसमें चैनल में, व्यू चैनल करिएगा तो अगर आप बैच ले चुके हैं या ब्रांडिंग कर चुके हैं तो आपके बैच में एक टिक लग जाती है ये चैनल पे। तो अभी तो यहाँ पे क्योंकि हमने जस्ट नया स्टार्ट किया तो उसमें टिक नहीं है, लेकिन आपके चैनल पर यहाँ पर एक टिक लग जाएगी। जब टिक लग जाएगी उसके बाद अगर आप नाम बदलिएगा तो आपका बैज जो होगा वो आपसे पास से चला जाएगा, आपको फिर से उसको लेना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ कर ही अपने चैनल का नाम बदलिएगा। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, थैंक यू। और आगे इसकी सेटिंग हम वन बाय वन पूरा आपको बताते रहेंगे जिससे कि आप स्टार्टिंग से सीख पाइए कि कैसे यूट्यूब चैनल पे काम करती है। थैंक यू।